हेलो दोस्तों, एक बार बहुत फिर से स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल हेल्थ चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। आज फिर प्रेजेंट हूं मैं टेक्निकल हेल्थ में एक टेक्निकल टॉपिक के साथ में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो लेबोरेटरी, जो हॉस्पिटल्स लेबोरेटरी होती है उसके अंदर जितने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं आज हम उनके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। आज नहीं बात करेंगे, आज हम स्टेप बाय स्टेप जो जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पर्टिकुलर जो एक एक डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन डिटेल हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो लेबोरेटरी होती है उनमें कौन कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक लेबोरेटरी के अंदर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स होता है। अब इन सभी जो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर जो ब्रांचेज होती है, जो सेक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम अभी पहले एक डिपार्टमेंट को लेते हैं जो कि सबसे बड़ा लेबोरेटरी का एक किंग माना जाता है, जिसको कहते हैं कि उसके बिना पैथोलॉजी या फिर कोई भी लैब जो है वो एकदम काम नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सेक्शंस होते हैं, जो ब्रांचेज होती है, वो मैं जनरल पैथोलॉजी के बारे में बात करूँगा, अभी डिस्कस नहीं करूँगा मैं ब्रीफली, क्योंकि इतने ज़्यादा ना तो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ और ना ही मैं इतना कोलेबरेट नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल पैथोलॉजी होती है उसमें तीन जो मेन ब्रांचेज होती हैं वो होती है, पहली होती है हेमाटोलॉजी, दूसरी होती है हिस्टोपैथोलॉजी और तीसरी होती है साइटोपैथोलॉजी। तो इन तीनों ब्रांचेज में हम बात करते हैं सबसे पहले हेमाटोलॉजी ब्रांच की, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट की। अब हेमाटोलॉजी के अंदर जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जितने भी टेस्ट आते हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट होते हैं सिर्फ कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस लिए होते हैं, बस इतना ही बताऊँगा। आगे आने वाली जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उनमें सभी टेस्ट के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, इन डिटेल सभी के बारे में जानेंगे, कौन सा टेस्ट कितना कब क्यों किस लिए किया जाता है, सारी चीज़ें और उनकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती है, सभी के बारे में हम आने वाली अगली वीडियोस में जानेंगे। अभी मैं फ़िलहाल हम कम टू द पॉइंट आते हैं कि हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। दोस्तों इससे पहले हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में पैथोलॉजी है क्या। तो मैं पैथोलॉजी के बारे में बताता हूँ। पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसके अंदर किसी भी रोगी के अंदर कोई भी रोग होने की, जो रोग होता है उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है, उसके अंदर उसकी जो सेल्स होती हैं, उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है उसके द्वारा जो स्टडी की जाती है, उसके अंदर जो रोग है, जो बीमारी है, उस वो क्यों विकसित हो रही है, उसका रीज़न क्या है और उसकी जो होल स्टडी की जाती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। दोस्तों देखो ये एक किताबी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में, मैं अपनी तरीके से मैंने इसको आपको बताया है। इसके बाद जो होता है पैथोलॉजी और उसके अंदर जो काम करने वाला पर्सन होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि किसी भी पेशेंट्स के अंदर जो निकलने वाला ब्लड है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो फ्लूड होता है, जो पदार्थ लिक्विड पदार्थ होता है उसकी स्टडी करके, उसको उसका आकलन करके उसको ठीक करने का सॉल्यूशन देता है कि इसको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। ये एक पैथोलॉजिस्ट का काम होता है। तो अब हम आते हैं अपने हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में, हेमाटोलॉजी के अंदर होने वाले जो टेस्ट हैं उनके बारे में। देखो दोस्तों सबसे पहले जो एक कॉमन सा टेस्ट है और एक मेजर टेस्ट भी बोला जाता है, जो किसी भी टाइप के इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के चोट लगने पर, किसी भी टाइप का फीवर आने पे कभी भी डॉक्टर उसी को प्रिस्क्राइब करने आ जाता है, उसे बोलते हैं CBC। जी हाँ, CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा नंबर का टेस्ट होता है, वो होता है ESR। ESR क्या होता है? ESR कोई मेजर टाइप का या स्पेशल टाइप का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ उसको मेजरमेंट करने के लिए ESR, जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसको हेमाटोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है रेटिकुलोसाइट्स काउंट टेस्ट, जो होता है ये रेटिक जो हमारी RBC है उसी की स्टेज होती है, उसकी एबनॉर्मेलिटी, उसके फॉर्मेशन, उसके बनने के जो टाइप्स हो उसकी स्टडी करने के लिए रेटिकुलोसाइट्स काउंट टेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं
जीबीपी जो टेस्ट होता है वो जनरल ब्लड प्रेशर होता है। जीबीपी टेस्ट किस लिए कराए जाते हैं, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो होती हैं, जब मोस्टली एनीमिक पेशेंट होता है या एनीमिया पेशेंट हो या प्लेटलेट ब्रेकडाउन होती है, उस कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि जीबीपी टेस्ट करा लीजिए ताकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी पता चल जाएगी, वो ठीक से उनका ओरिजिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तब ये एक नॉर्मल टेस्ट होता है जीबीपी, इसको डॉक्टर करते हैं और उसमें सारी स्टडी की जाती है और तब बताया जाता है जीबीपी। इसके बाद होता है एमपी पीएस4 एमपी यानी कि पीएस4 मलेरिया पैरासाइट। जी हाँ, ये भी हेमाटोलॉजी के अंदर ही टेस्ट आता है। मलेरिया पैरासाइट है तो एक मलेरिया प्रोफाइल होती है, उसके अंदर बहुत सारे मलेरिया आते हैं, वाइवैक्स फाल्सीपेरम बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, 4-5 कैटेगरी होती है, उनकी स्टडी की जाती है MP4 PS में। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों, जब एनीमिया पेशेंट होता है, ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक स्पेशल टेस्ट होता है जो एनीमिक पेशेंट होता है उसके आयरन स्टडीज़ वगैरह करने के लिए। ये इसमें ये पूरा एक प्रोफाइल होती है, उसमें उसके एरिया वाइज उसके फील्ड होते हैं, उन सब की स्टडी की जाती है। मैं फर्दर जो मेरी वीडियोज़ होंगी टेस्ट के ऊपर जो मेरी वीडियोज़ होंगी, मैं उसमें भी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपको ब्रीफली इन डिटेल बताऊँगा। इसके बाद जो होता है सिकल सेल एनीमिया, जब एनीमिया है तो सिकल सेल्स जो होती हैं उसका उनके ऊपर स्टडी की जाती है, ये टेस्ट भी हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आता है। इसके बाद जो होता है आयरन प्रोफाइल में आयरन डेफिशिएंसी TIBC इन सब की स्टडी की जाती है। आयरन यानी कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है यानी कि खून की कमी हो रही है तो आयरन स्टडी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक बार आप आयरन स्टडी कराइए अपनी, तो ये भी हेमाटोलॉजी के अंदर ही आता है। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो एक प्रोफाइल होती है यानी कि कोगुलेशन प्रोफाइल यानी कोगुलेशन स्टडी। उसके अंदर क्या होता है, 4-5 टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर करवाने के लिए बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारे अंदर इंटरनल कोई ब्लीडिंग होती है या आउटर कोई ब्लीडिंग होती है और जब ब्लड क्लोट होने का नाम नहीं लेता यानी कि रुकने का नाम नहीं लेता, तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार कोगुलेशन स्टडी कराई जाए। अब इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं हमारे, BTCT होता है, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम, दूसरा इसमें PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तीसरा इसमें होता है APTT एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक होता है TT जो होता है थ्रोम्बो टाइम, और एक होता है TGT जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन टाइम। तो ये पूरी होती है एक कोगुलेशन प्रोफाइल या कोगुलेशन स्टडी, इसके अंदर ये आते हैं। और इसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है कुम्ब टेस्ट। दोस्तों, जैसे कि आपने बेसिकली सुना होगा कि सभी ब्लड बैंक्स के अंदर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्ब्स, और ये होता ब्लड बैंक के अंदर है लेकिन आता है हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही है। और इसी में ब्लड ग्रुपिंग भी आती है, जो हमारे रिवर्स फॉरवर्ड मेथड होते हैं, क्रॉस मैचिंग मेथड होता है, ये सभी हेमाटोलॉजी के अंदर ही आते हैं सारे टेस्ट। इसके बाद जो आता है वो है G6PD ग्लूकोज 6 फोस्फेट डेफिशिएंसी, जो ये टेस्ट है ये भी हेमाटोलॉजी के अंदर ही आता है। देन इसके बाद बात करते हैं हम जो मेजर लार्ज स्केल वाला टेस्ट होता है, वो होता है बोन मैरो एस्पायरेशन बोन मैरो बायोप्सी। अब बोन मैरो जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, एक टाइप का एक ऑपरेशन ही मानो, माइनर ऑपरेशन ही टाइप के। उसमें क्या होता है कि बोन मैरो में हमें पूरी स्टडी करनी होती है कि जो पेशेंट्स के जो एनीमिया पेशेंट है उसकी सेल्स जो RBC है, जो उसकी जो बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो ठीक तरीके से क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं और क्यों नहीं बन रहे हैं। अगर उसको एनीमिया पेशेंट है तो उसको खून की कमी क्यों हो रही है, या फिर कैंसर सेल्स को भी रीड किया जाता है इसमें भी। अगर कोई किसी टाइप का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो उसकी भी स्टडी की जाती है। और बाकी इन डिटेल हम सारा आगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में जो टॉपिक्स वाइज होंगे, जो हमारे टेस्ट वाइज होंगे, सभी में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इतना ही था हमारा इसमें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अगर मेरी दी हुई ये जानकारी, अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के मेरी आगे आने वाली सभी अपडेट्स को रिसीव करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।